गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन अनदर सेशन फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो सेशन है उसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था रैशनल नंबर्स के बारे में कि रैशनल नंबर्स कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं। आपको पता है अ नंबर दैट रिप्रेजेंटेड एज अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू दैट नोन एज रैशनल नंबर। P अपॉन Q की फॉर्म में जिन नंबर को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें अपन रैशनल नंबर बोलते हैं। उसके वेरियस जो आपके फोर टाइप ऑपरेशंस थे कि रैशनल नंबर्स को किस तरीके से ऐड किया जाए, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाए, किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन किया जाए एंड डिवीजन किया जाए, उसका जो पूरा मेथड है विद एग्जांपल मैंने आपको लास्ट जो प्रीवियस अपना सेशन था उसमें मैंने आपको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, एक्सप्लेन किया था। अपन फॉरवर्ड आगे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनकी जो उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको अपन रिमेंबर करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, इसका जैसा नेम है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मींस इस प्रॉपर्टी को मेनली इंट्रोड्यूस करने का जो मेन रीजन है वो रीजन ये था स्टूडेंट की वेन जो अपने पास दो से ज्यादा रैशनल नंबर्स मोर देन टू तो हम उसको कैसे एसोसिएट कर सकते हैं। तो उस जब अपने पास दो से ज्यादा रैशनल नंबर होंगे तो उनको कैसे एसोसिएट करेंगे, इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इन केस ऑफ डिवीजन। यानी आपको एसोसिएट करना है और उसकी फर्स्ट अपन लेते हैं एडिशन कि एडिशन ऑपरेशन में आप किस तरीके से एसोसिएट करेंगे। तो एडिशन के लिए देखो प्रॉपर्टी आपका सेम एज इट इज रहेगा, बस साइन जो होगा एडिशन में एडिशन साइन मेंशन हो जाता है, सबट्रैक्शन में सबट्रैक्शन यानी माइनस साइन मेंशन हो जाता है एंड मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई और डिवीजन में सो ऑन डिवीजन। फर्स्ट टेक अ फर्स्ट लुक एडिशन। एडिशन के लिए स्टूडेंट देखिए आप प्रॉपर्टी इस तरीके से a plus bracket b plus c equals to a plus b bracket plus c। आप बोलेंगे सर ये प्रॉपर्टी किस तरीके से बता रही है कि जब दो से ज्यादा रेशनल नंबर अपने लिए हैं तब ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होनी चाहिए, एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट आपने देखा ए बी सी ये थ्री क्या है, रेशनल नंबर है। जब आप इनको क्या करते हो लास्ट के टू को ब्रैकेट में लेते हो और इसी तरीके से तीनों में जब आप फर्स्ट के टू को ब्रैकेट में लेते हो और सेपरेटली सॉल्व करते हो तो आप देखेंगे आंसर जो आपका आएगा वो सेम एज इट इज आएगा। तभी तो इनके बिटवीन में साइन जो है इक्वल टू है। तो अपन क्या करते हैं इसको प्रूफ करते हैं, इसका जो LHS पार्ट है एंड RHS पार्ट उसमें वैल्यू पुट करते हैं अज्यूम करकर रेशनल नंबर्स को और देखते हैं कि इक्वल आता है नहीं आता। तो देखते हैं स्टूडेंट्स व्हेन मैंने अज्यूम करे हैं कि रेशनल नंबर a इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, b इक्वल्स टू -3 अपॉन 2। ये मैंने माइनस का इसलिए अज्यूम किया स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है सर आप पॉजिटिव साइन के ही सब अज्यूम कर रहे हो माइनस का क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने एक माइनस साइन का अज्यूम किया है, देखते हैं एप्लीकेबल होता है नहीं। थर्ड सी इज 2 अपॉन 5। मैंने जब ये वैल्यू इसमें पुट करी a की जगह मैंने 1 अपॉन 2 लिखा प्लस सेम एज इट इज b की जगह मैंने -3 अपॉन 2 पूरी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट को उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को ऑन दैट बिग ब्रैकेट को। ओके स्टूडेंट, इस सीक्वेंस होता है ब्रैकेट को सॉल्व करने का। तो मैंने सबसे पहले ब्रैकेट की तरफ फोकस किया और मैंने देखा ये दोनों जो रेशनल नंबर हैं ये क्या है आपके, तो आपको पता चला सर इसमें तो एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा जिसको आपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो देखो वही मैंने मेथड लगाया 5 3 15 और प्लस का 5 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ही 15 आपको आंसर में मिलेगा। प्लस एज इट इज 2 2 4 एंड 5 2 10। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर रहा हूं पहले एलएचएस पार्ट को, फिर मैंने माइनस 15 प्लस 4 मींस सब्ट्रैक्शन होगा, 15 में से 4 रिमेन होंगे तो आपके बचेगा कितना, माइनस 11। अब आप बोलेंगे सर 11 ने माइनस साइन पेशन मेंशन किया तो मैंने बोला लार्जेस्ट डिजिट है जो उसके फ्रंट में साइन किया है आपका माइनस का, तो माइनस साइन है माइनस 11 अपॉन 10। अब आप देखेंगे प्लस माइनस, प्लस माइनस को ब्रैकेट का मींस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। जब आप प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो आपको फाइनल साइन कौन सा आपको मिलेगा रिजल्ट में, माइनस। तो देखो यहां पर मैंने माइनस साइन हुआ है सेम एज इट इज 11 अपॉन 10 और वापस मैंने इसको क्या करा है, इसको सब्ट्रैक्शन जो मैंने ऑपरेशन आपको सब्ट्रैक्शन बताया था उसको मैंने सॉल्व कर लिया उस मेथड से। देखो 10 10 1 10 और 2 11 22 एंड 10 2 20। ओके
इसको आप जब 22 में से 10 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको रिमेनिंग 12/20 आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर स्टूडेंट 12/20 जो रिजल्ट मिला है सर, इसमें आप ये बताएं सर आपने 4/4 से डिवाइड किया है। मैंने क्या बोला था, सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आपको कन्वर्ट करने के लिए जब किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसी एक टेबल का, किसी एक नंबर के टेबल का डिवाइड हो रहा है तो आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 3 12 और 4 5। ओके स्टूडेंट्स, तो -12/20 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक सिंगल टेबल देखा, 4 के टेबल से न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो रहे, तो मैंने 4 के टेबल से इसको डिवाइड कर दिया, 4 3 12 4 5 12 और माइनस साइन सेम एज इट इज कंटिन्यू। आपने देखा एलएचएस पार्ट को सॉल्व किया सर मैंने, और आपको जो मैंने प्रीवियस सेशन में जो ऑपरेशन बताए थे वो आपने यहां एप्लीकेबल हुए, और मेरे को आई होप में मेरे को लगता है कि आपने उस पर क्या करा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, ताकि इस जो ये प्रूफ मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके। सेकंड इज स्टूडेंट, अब एलएचएस पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं सर यहां पे इक्वल जो साइन मेंशन किया है ये इक्वल्स टू आता है या नॉट इक्वल टू आता है। तो देखो RHS पार्ट में वही वैल्यू पुट करिए, सेम वही मेथड लगाया मैंने। देखो आप इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो ये ब्रैकेट है ये कर्ली ब्रैकेट इंसर्ट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर b क्या है आपका माइनस का है, तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में मैंने एनक्लोज किया है। अब देखें आप स्टूडेंट माइनस प्लस, जब माइनस प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आपको पता है माइनस मिलेगा, आपने साइन को रिमेम्बर किया हुआ है, तो माइनस आपको मिला, उसके बाद ब्रैकेट इस ब्रैकेट को सॉल्व किया आपने, 2 1 2 2 3 6 -7 as it is 2 2 4 then 6 में से 2 remain -4 4/4 +2 + 5 आप इसको सॉल्व करेंगे फाइनली आप देखेंगे आंसर आपका -3/5 आए। आप इसको सॉल्व करके देखो आपको बोथ साइड LHS RHS आपको इक्वल मिलेगा। मींस स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुआ कि सर एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन का जो केस है, एडिशन का जो केस है उसमें एप्लीकेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट जो इसका केस है सबट्रैक्शन उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, चेकआउट करते हैं कि उसमें एप्लीकेबल होता है या नहीं होता एडिशन प्रॉपर्टी। सेकंड इज स्टूडेंट्स सबट्रैक्शन, आपने देखा एडिशन के केस में अपन ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल किया तो वो एप्लीकेबल है। अब सबट्रैक्शन के केस में स्टूडेंट्स अपन चेक करते हैं, तो आप देखें सर आपने प्रॉपर्टी को सेम एज इट इज लिखा है, ठीक है, बट जो साइन जो आपने एडिशन के केस में यहाँ पर ऐड का साइन यानी प्लस साइन यूज किया था, तो सबट्रैक्शन का केस है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा माइनस साइन मेंशन होगा। तो अपन चेक करेंगे कि LHS पार्ट एंड RHS पार्ट दोनों इक्वल आते हैं या फिर नॉट इक्वल आते हैं। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो अपन लिखेंगे कि एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो सबट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने चेक किया हुआ है और मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है कि नॉट एप्लीकेबल है। लेकिन आपको क्या करना है, सेम जैसे मैंने एडिशन में आपको बताया ए बी सी जो ये रेशनल नंबर है इसको मैंने अज्यूम किया है, इसके अलावा भी आप कोई भी रेशनल नंबर अज्यूम कर सकते हैं। अगर वो इन पर एप्लीकेबल है तो इसका मतलब सभी जितने भी रेशनल नंबर है उन पर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज इन पर एप्लीकेबल नहीं है तो किसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल LHS पार्ट को सॉल्व करें जैसे मैंने एडिशन में आपको शो किया, देन उसके बाद RHS पार्ट को सॉल्व करें और आप फाइनली देखेंगे स्टूडेंट कि आपके जो दोनों जो रिजल्ट है वो क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे, वहां पर आपको इस तरीके का साइन मेंशन करना होगा। दैट्स मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन मल्टीप्लिकेशन। अब आपने देखा सर मल्टीप्लीकेशन के केस में आपने कुछ नहीं किया, सेम प्रॉपर्टी लिखा उसको ग्लोब में इंसर्ट किया, बस जहां साइन पहले एडिशन फिर सबट्रैक्शन, अब यहां पर साइन क्या आ गया स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन का साइन मेंशन हो गया, और वही जो मैंने फ्रैक्शन अज्यूम किया है उसी को मैंने वैल्यूज में पुट करी और सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए आपको अगर ये क्लियर नहीं हो रहा तो आप मेरा जो फर्स्ट सेशन है उसमें आप देखें मैंने वेरियस जितने भी ऑपरेशंस हैं 4 टाइप के एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर के उनको एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल। लेट अस इसको भी अपन एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें मैंने ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू पुट करा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं LHS पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि सर मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होता, न्यूमिरेटर से न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 -5 2 10
ओके स्टूडेंट्स, फाइनली फिर वापस आपको मल्टीप्लिकेशन में मिले हैं रेशनल नंबर, तो आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 1 = 6 − 10 × 2 = 20। मींस आपने एलएचएस जो पार्ट है वो एक्सप्लेन किया सर एज इट इज, आपने आरएचएस पार्ट को एक्स पूरा का पूरा आपने क्या किया सॉल्व किया और आपने देखा एलएचएस और आरएचएस पार्ट क्या है आपके बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। दैट्स मीन मल्टीप्लिकेशन के केस में स्टूडेंट जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है एप्लीकेबल है। एंड सेम एज इट इज आप क्या करेंगे स्टूडेंट डिवीजन के केस में मैंने आपको जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड कर जो साइन है वो मेंशन कर कर और एनक्लोज कर कर और नॉट इक्वल टू मेंशन करके यहां पर इंसर्ट किया है। आप चेक करके बताएं कि ये जो 3ABC जो मैंने अज्यूम करे हैं रेशनल नंबर उनको आप इसमें पुट करें LHS RHS को सॉल्व करें ये आपका HW वर्क है और देखें कि LHS और RHS आपके क्या आने चाहिए नॉट इक्वल टू आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुआ है, उसके जो फोर ऑपरेशंस हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो फोर केसेस हैं वो आपको एक्सप्लेन हो चुके हैं क्लियर हो चुके हैं बिल्कुल माइंड में। ओके नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एडिटिव इनवर्स किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है इस पर अपन फोकस करेंगे। Like additive inverse of 1/3 is −1/3। अब मैंने आपको यह लिखा हुआ है पहले से कि additive inverse 1/3 कि 1/3 जो rational number है उसका additive inverse −1/3। लेकिन आप बोलेंगे सर आपने कैसे −1/3 assume कर दिया आपने? Student आप two case ध्यान रखें। First of all additive inverse किसी भी rational number का additive inverse अगर वो rational number जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश एक्सिस और जीरो इस साइड आपके क्या होते हैं पॉजिटिव पार्ट होता है और ये क्या होता है आपका नेगेटिव पार्ट। तो अब रिमेंबर रखिए 1/3 कहां लाई करेगा पॉजिटिव में, तो इसका जो आप इनवर्स निकालोगे देखो इसका जो नेम है ना वो एडिटिव इनवर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनवर्स निकालना होगा फिर आपको एड करना है। ठीक है देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा 1/3 का पॉजिटिव साइड पे तो इसका नेगेटिव आप साइड पर निकालोगे रेशनल नंबर तो आपको फाइंड आउट होगा −1/3। अब 1/3 आपको मिला अब आप इन दोनों को ऐड कर कर भी देखेंगे स्टूडेंट्स कि ऐड करने पर आंसर क्या आना चाहिए 0। अगर आंसर 0 आता है दैट्स मींस आप बोल सकते हो कि 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा −1/3 होगा। लेट्स चेक इट, मैंने क्या करा इन दोनों को जो मैंने इनवर्स बोला है उसको मैंने क्या करा प्लस करा ऐड करा क्योंकि यहां एडिटिव लिखा हुआ है आगे ऐड करके देखा तो मैंने देखा साइन सर माइनस है माइनस प्लस माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या होगा फर्दर माइनस साइन आएगा। माइनस साइन होते ही आपको पता है आपको रेशनल नंबर है सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वैसे इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 3 आ गया आपका 3 को 3 से डिवाइड किया 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 सेम एज इट इज 1 1 माइनस 1 0 0 अपॉन 3 0/3 जो आंसर आपका मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स अब आपको पता चला कि हां सर ये इसका 1/3 का जो एडिटिव इनवर्स है −1/3 होगा क्योंकि आपने दोनों को ऐड कर कर भी देखा आपको रिजल्ट क्या मिला है 0 मिला है। सेम एज इट इज अनदर एक एग्जांपल लिया है मैंने एडिटिव इनवर्स ऑफ −5/7। अब इस एग्जांपल को लेने का मेन रीजन क्या है इसमें मैंने फर्स्ट एग्जांपल में क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर लिया इस बार मैंने नेगेटिव लिया। अब देखो नेगेटिव है तो पहले तो माइंड में इसलिए होगा इसका इनवर्स क्या होगा तो इनवर्स जब ये नेगेटिव में है तो इसी का पॉजिटिव वाला पार्ट में क्या मिलेगा 5/7 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स और दोनों को आप जब प्लस करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। आप इसको करें घर पर HW में आप इसको कर कर देखें और अपना प्रूफ करें कि दोनों को जब ऐड करते हैं तो सेम एज इट इज जैसे मैंने जो प्रीवियस वाला जो करा है सो सेम एज इट इज का भी आंसर आपको सही होगा। ओके स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर जो फाइंडिंग करने का जो मेथड है वो आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर, इसमें स्टूडेंट्स अपन ये सीखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल किस तरीके से किया जाता है। देखो स्टूडेंट एक सिंपल सा वे है आप यहां पर देखें मैं इस जगह आपको रेसिप्रोकल करना सिखाता हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी रेशनल नंबर है लाइक 1/2 आपको जब इसका रेसिप्रोकल करना है तो आप रेसिप्रोकल कैसे करेंगे आप लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इक्वल टू
1/1/2। ओके, किसी भी रेशनल नंबर का एनी रेशनल नंबर जो भी आपको दिया हो उसको आप रेसिप्रोकल करने के लिए अपॉन में कर दें, 1/1 में कर दें। ओके, अब जैसे ही आपने 1/1 में करा तो ये नीचे वाला जो रेशनल नंबर है ये क्या हो जाता है, घूमकर कहां चल जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, रियल जो फ्रैक्शन बनेगा वो आपका रीअरेंज होकर 2/1 आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। ओके, तो आपको पता चला 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है सर, 2 आता है सिर्फ, इसको 2 भी तो बोल सकते हैं, ये 2 आता है। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं मैं माइनस के केस में ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा स्टूडेंट। अब देखिए माइनस के केस के लिए क्या होता है, अज्यूम करते हैं अपन कोई फ्रैक्शन लाइक -5/3। अब इसका रेसिप्रोकल करना है तो मैंने आपको क्या बोला, 1/2 में ले जाए उसी को सेम -1/-5/3, इसको 1/2 में लेकर गया मैं -5/3, और आपने देखा सर इसको 1/2 में लिया आपने तो आपने बोला ये जो नीचे रेशनल नंबर होता है ये अपवर्ड जाकर और क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है और रीअरेंज होकर क्या बनेगा आपका -3/5। गॉट इट स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल का केस आपको समझना है, इस पे प्रैक्टिस करिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। अब सर जो इसका इसका आप ये देखें कि इसका जो स्टेटमेंट है उसमें क्या शो किया हुआ है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ रेशनल नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल देन वी गेट 1। यानी आपको किसी भी रेशनल नंबर के रेसिप्रोकल से अगर आप उस रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1। और अगर आपको आंसर 1 मिल जाए दैट्स मींस आप समझ में आ जाएगा आपको कि दोनों रेशनल नंबर क्या हैं आपके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। देखो यहां पर लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 इज 5। अब ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपको मैंने समझाया 1/5 का मतलब है आप क्या करोगे, 1/1/5, तो ये 5 ऊपर चल जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा, 5/1 यानी कि 5। अच्छा, इस तरीके को देखकर सर आपने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का जो है ना एन, इसका रेसिप्रोकल तो ये है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए हर केस में। यानी जितने भी आप रेशनल नंबर है सब पर अप्लाई करें, हर केस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1 आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपने देखा 1/5 मल्टीप्लाई कर 5/1, अब आपने बोला सर यहाँ इसके नीचे हैं ये डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है, तो मैंने बोला था डिनोमिनेटर पार्ट आप क्या अज्यूम करते हैं, 1, तो 5/5, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 5/5 और 5/5, ये कट हो गया 5 से, 5 के टेबल से न्यूमिनेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी आपका आंसर बन जाएगा, या फिर इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं 5 से 5 कट करके। ओके स्टूडेंट्स, बोथ केस आपको समझ में क्लियर हो चुका है आई थिंक, मल्टीप्लीकेटिव एंड additive inverse of a ratio। Now distributive property of multiplication over addition। Students, this property is very important। आप इसको ध्यान में रखें, ये property बहुत ज्यादा important है। क्यों? क्योंकि देखिए आप distributive property of multiplication, यानी इसमें multiplication included over addition और addition भी included। देखिए आप इसको बहुत सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करता हूं और इसको प्रूफ किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट b प्लस c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। आपको रिमेंबर नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि सर थ्री फ्रैक्शन है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। अब आप बोले सर इसका जो LHS पार्ट है उसको उसका RHS पार्ट से इक्वल होना है, मैंने इक्वल साइन यहां पर मेंशन किया है स्टूडेंट, तो ये इक्वल क्यों है, देखो ये जो पार्ट है इसका सॉल्यूशन ही है। कैसे, a को फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना है तो पहले b से मल्टीप्लाई होगा, ओके, तो a मल्टीप्लाई बाय b, फिर a किससे मल्टीप्लाई बाय होगा प्लस c से, यानी साइन जो c होल्ड कर रहा है वो प्लस का साइन है, तो प्लस से मल्टीप्लाई बाय हुआ तो प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। ओके, ये प्रॉपर्टी है इसकी, इसको मैंने आपको बॉक्स में जो इंक्लोज्ड किया है ये इसकी प्रॉपर्टी है। अपन इसको प्रूफ करके देखते हैं कि रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, बोथ LHS एंड RHS पार्ट इक्वल होते हैं या नहीं। तो मैंने वही सेम जो फ्रैक्शन है ABC जो मैं स्टार्टिंग से ही प्रॉपर्टी में पुट कर रहा हूँ और उसको क्या कर रहा हूँ, प्रूफ करता आ रहा हूँ, तो आप इसके अलावा कोई दूसरे फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी अपना क्या करेगी, वैलिडिटी 100% जो इसके लिए
प्रूफ हो रहा है वही अदर फ्रैक्शंस के भी यदि प्रूफ होगा। ए उस ए की जगह वैल्यू रख दी, बी की जगह वैल्यू और सी की जगह वैल्यू पुट कर दिया, जो रेशनल नंबर की वैल्यू है वो पुट करके आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। टेक अ लुक स्टूडेंट, माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 5। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, आपको पता है। आप देखें 5 3 15, 2 2 4 प्लस साइन एज इट इज, माइनस साइन क्यों आया स्टूडेंट, क्योंकि प्लस का 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस साइन होल्ड करेगा। 5 2 10, इसको आप सॉल्व करेंगे, 15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो आपके पास रिमेनिंग 11 होगा और माइनस साइन होल्ड करेगा बिकॉज बिगेस्ट डिजिट के फ्रंट में माइनस साइन मेंशन है। माइनस 11 अपॉन 10, इसको आप अब आपको ये पता चला सर ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है, फ्रैक्शन का है तो बहुत इजी है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 11 बन जाए 11 और 10 2 जाए 20 माइनस 11 अपॉन 20 माइनस 11 अपॉन 20। अब ये तो आपका एलएचएस पार्ट हुआ, अब आपने आरएचएस पार्ट को वैल्यू पुट करके सॉल्व किया स्टूडेंट, तो आपको फाइनल आंसर मिला सेम एज इट इज। एलएचएस का जो आंसर मिला वो आपको आरएचएस में भी माइनस 11 अपॉन 20 मिला। इट्स मींस आपको ये कंफर्म हो चुका है कि हां सर ये प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रूफ हो चुकी है कि हाँ ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस फॉर्मेट में होगा। ओके स्टूडेंट्स।